Good afternoon, friends. Myself, Syed Shujat, and today we will learn about the measuring tools. Sheet metal workshop में हम कौन से measuring tools का use करते हैं आज उसके बारे में हम discuss करेंगे. तो workshop के अंदर हम different step में different measuring tool use करते हैं. जैसा कि अगर हमें sheet का squareness check करना है तो हम different types के squares उसके अंदर use करते हैं. मार्किंग के अंदर पॉइंट से पॉइंट अगर डिस्टेंस मेज़र करना है तो स्टील रूल का यूज़ करते हैं. तो ऐसे डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट मेज़रिंग टूल्स का हम यूज़ करते हैं. तो जनरली शीट मेटल वर्कशॉप में जो मेज़रिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं वो ये हैं: स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन सेट, स्टैंडर्ड वायर गेज, रेडियस गेज, स्क्रू पिच गेज, बेवेल प्रोटेक्टर, ट्राई स्क्वायर, एल स्क्वायर, कैलिपर्स एट्सेट्रा. ये सारे मेजरिंग टूल्स हम हमारे वर्कशॉप में यूज़ करते हैं. तो इन मेजरिंग टूल्स के ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो आज जो मेजरिंग टूल पे हमने डिस्कस करना है वो है स्टील रोल. स्टील रोल, स्टील रोलर, ये जो रोलर है, रोलर क्या है? इट इज़ ए मेजरिंग टूल. रोलर क्या है? एक मोजने ऐसा एक साधन है, रोलर. और किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो मेजर करना है उसके लिए हम रोलर का यूज करते हैं. तो जो रोलर स्टील से बनाया जाता है उसको स्टील रोलर बोलते हैं. उसको आमतौर पे हम स्टील रोल बोलते हैं या फिर हम उसको स्केल बोलते हैं. एक्चुअली ये जो रोलर है, पॉइंट डिस्टेंस मेज़र करने का ये जो टूल है, ये तकरीबन आज से 4,500 साल पहले बनाया गया था. कितने? 4,500, 2650 BC, बिफोर क्रिस्ट. क्रिस्ट के 2650 साल पहले रोलर को बनाया गया था. फॉर व्हाट? फॉर मेजरिंग पर्पस, मेजरिंग के लिए. और ये जो रोलर था ये रॉड के शेप में था और इसे कॉपर अलॉय से बनाया गया था. फिर उसके बाद चेंजेस आते गए, मटेरियल के अंदर चेंजेस होते गए. आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक की भी स्केल अवेलेबल है. उसके अलावा फिर स्ट्रिप्स, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल की स्ट्रिप्स में भी ये बनाई जाती है स्केल. और फिर हम हमारी वर्कशॉप में जो यूज़ करते हैं वो स्टील रोलर करते हैं. समझ में आ गई बात? ये रोलर, एक्चुअली रोलर ये मेजरिंग डिवाइस है, डिस्टेंस मेजर. जो रोलर स्टील से बना है उसको हम स्टील रोलर बोलते हैं या फिर स्टील रोल बोलते हैं इसको. तो जहाँ तक स्टील रोल की बात है, इसके अंदर, इसके बनाने में जो मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, हार्डन स्टील से भी बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील से भी बनाई जाती है और स्प्रिंग स्टील से भी बनाई जाती है. दूसरा, इसके डिफरेंट टाइप्स के रेंजेस होते हैं, 15 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक. हम जनरली 30 सेंटीमीटर वाली स्केल हमारे वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, है ना. तो इसके अलग अलग रेंजेस होते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, इसकी जो रीडिंग एक्यूरेसी होती है वो 0.5 mm होती है. स्टील रोल की जो रीडिंग एक्यूरेसी होती है वो 0.5 mm होती है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे स्टील रोल से रिलेटेड. तो आज के इस टॉपिक में हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए कि स्टील रोल ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, दूसरा इसका रीडिंग एक्यूरेसी 0.5 mm होता है, तीसरा इसके बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है वो हार्डन स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का यूज़ होता है. ये पॉइंट्स हमने कवर किए. तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs भी मैं दिया हूँ, आप उसको भी चेक करें और इसी तरह MCQs आप भी बनाएं और उसकी स्टडी करें. तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी प्रिपेयर करेंगे. तो गुड बाय एंड टेक केयर. Stay home and stay safe.